राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे मैं राजीव रंजन राज फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नया टिप्स लाया हूं जो सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में जरूरी है, या यूं कह ले कि पिछले प्री एग्जाम में सब में आ चुका है, जैसे कि बैंक हो या SSC। आपका टिप्स है कंपरेटिव डिग्री एडजेक्टिव इज यूज फॉर 2 नंबर बट सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव इज यूज फॉर मोर देन 2 नंबर। कहने का मतलब है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी तक सारे टिप्स जो मैं आपके सामने ला रहा हूँ वो सारे एडजेक्टिव से रिलेटेड है, और कहीं ना कहीं इसका एक या दो सवाल आपके सेट में रहेंगे, चाहे आप बैंक का दें या फिर SSC का दें। मैं पहले भी आप लोग को बता चुका हूँ कि पॉजिटिव का काम होता है एक वस्तु एक व्यक्ति एक स्थान की बात करेगा, कंपरेटिव का काम है दो वस्तु दो व्यक्ति दो स्थान की बात करेगा, और सुपरलेटिव का काम है दो से ज्यादा वस्तु स्थान की बात करेगा, और डिग्री का काम है कंपेयर करना। तो टिप्स आप समझ गए कि कंपरेटिव का प्रयोग हम लोग दो के लिए करेंगे, और दो से ज्यादा की बात करेंगे तो हम लोग सुपरलेटिव का प्रयोग करेंगे। तो स्टेटमेंट में सबसे पहले हम लोग को ये देखना होगा, अच्छी तरह देखना होगा कि स्टेटमेंट में दो की बात कर रहा है या दो से ज्यादा नंबर की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम आते हैं, ऑफ द टू सिस्टर द एल्डर इज द मोस्ट रिलीजियस। यहां दो सिस्टर की बात कर रहा है, तो ये कौन सा डिग्री इंडिकेट करेगा भाई, कितने नंबर की बात कर रहा है, 2 नंबर की बात कर रहा है। तो आंसर क्या हो गया, सी। मोस्ट के बदले हम लोग यहां क्या प्रयोग कर देंगे, मोर का। सवाल नंबर 2 में आइए, ऑफ द टू प्लेयर्स ही इज द लकीएस्ट। अब यहां देखिए फिर से बात किया, दो खिलाड़ियों में ही इज द लकीएस्ट, ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है, और यहां क्या प्रयोग करेंगे, लकियर। यहां फिर हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, लकियर, डिग्री को हम लोग कंपरेटिव में लाएंगे। फिर सवाल नंबर 3 में, वी विल डू आवर अटर, अटर आपका पॉजिटिव डिग्री है, वी विल डू आवर अटर टू हेल्प दोज अनफॉर्चुनेट पीपुल। पीपुल यहां कितने नंबर की बात कर रहा है, 2 से ज्यादा की बात कर रहा है, और अटर आपका क्या है भाई, ये पॉजिटिव डिग्री है, तो इसका दो तरह से कंपरेटिव बनता है, अटर मोस्ट या आउटमोस्ट, दोनों सही होगा आपका। आंसर फिर क्या हो गया आपका, बी। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 में, ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स रूबी इज प्रोबेबली लेस क्वालिफाइड ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स, यानी कि 2 से ज्यादा की बात कर रहा है, और लेस आपकी बात करता है 2 के लिए, और यहां लेस के बदले हम लोग प्रयोग करेंगे लेस्ट, यानी आंसर आपका क्या हो गया, सी। सवाल नंबर 5 में फिर हम लोग आते हैं, किरण्स परफॉर्मेंस इन द ड्रामा वाज द बेस्ट देन काजल्स बट नॉट एज गुड एज कोमल्स। अब यहां दो ही बंदा है, एक किरण है और दूसरा काजल है। अब यहां हम लोग क्या करेंगे भाई, ये कितने की बात कर रहा है, किरण्स परफॉर्मेंस इन द ड्रामा वाज बेस्ट देन काजल्स बट नॉट एज गुड एज कोमल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया सी, बेस्ट के बदले क्या प्रयोग करेंगे, बेटर। देयर आर 3 ऑफ अस, यहां 3 की बात कर रहे हैं, और 3 की जब बात किए तो क्या दर्शाया भाई, ये डिग्री आपका क्या हो गया, सुपरलेटिव। तो देयर आर 3 ऑफ अस, 3 बहनों की बात कर रहे हैं, तो डिग्री क्या दर्शा रहा है, आपको दिख रहा है सुपरलेटिव, लेकिन उसमें से निधि इज डेलियर ऑन ऑफ, तो यहां निधि की बात कर रहे हैं, और निधि ऑफ माय सिस्टर, तो एल्डेस्ट के बदले यहां क्या हो जाएगा, एल्डर। ये आपका आंसर हो गया 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7, माई ऑब्जर्वेशन इज दैट बिटवीन राघव एंड दीपा राघव इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। अब राघव की बात कर रहे हैं और 2 की बात कर रहे हैं, तो मोस्ट के बदले यहां क्या फिर प्रयोग करेंगे, मोर। आंसर आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का, सी। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं हम लोग, द डायरेक्टर हैज ग्रेट पावर ऑफ मेकिंग सम यूजफुल प्लान्स बट द वर्कर्स
has ever greatest, but the workers had ever greatest ability to fall them. Greatest के बदले यहाँ क्या प्रयोग करेंगे? Greater. आंसर आपका क्या हो गया आठ का? कि क्वेश्चन नंबर नाइन में बिटवीन वेल्थ एंड प्रेस्टीज यहाँ दो की बात कर रहा है. विच डू यू थिंक इज द मोस्ट? फिर आपका आंसर हो गया नाइन का सी. यहाँ दो की बात किया बिटवीन वेल्थ एंड प्रेस्टीज. आपका आंसर हो गया सी. फिर मोस्ट के बदले हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? मोर का. अब क्वेश्चन नंबर टेन में हम लोग आते हैं. अमन ड्राइव्स मोर केयरफुली देन विशाल एंड मोर केयरफुली ऑफ एनीवन. अब यहाँ देखिए एनीवन की बात कर रहा है, तो यहाँ मोर के बदले हम लोग मोस्ट का प्रयोग करेंगे. क्वेश्चन नंबर दस का आंसर हो गया एनीवन, मतलब किसी और की बात कर रहा है, दो से ज्यादा की बात कर रहा है. तो क्वेश्चन नंबर दस का आंसर हो गया बी. और मोर के बदले हम लोग यहाँ क्या प्रयोग करेंगे? मोस्ट का प्रयोग करेंगे. फिर से एक बार टिप्स को समझ लीजिए और ध्यान से देख लेंगे. फिर मैं अगले बार फिर मैं टिप्स के साथ आऊंगा. धन्यवाद.